अस्सलामुअलैकुम माय माय चैनल, आप बात ये देखे हैं ना, ना हो कि कोकम्बर और मिंट और कोरिएंडर से मैं कोई चटनी बनाने वाली हूँ, बट मैं कोई चटनी बनाने वाली नहीं हूँ। मैं इसे कितना ज़बरदस्त मास्क बनाने वाली हूँ, जिसको आप यूज़ करके अपने चेहरे पे सन टैनिंग ख़त्म कर सकते हैं। स्किन आपकी शाइन हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, और इससे एक्नी के जो निशान होंगे वो ख़त्म होंगे, ओपन पोर्स नहीं होंगे। गर्मियों के अंदर बहुत बेस्ट रेमेडी है। आप इसको 1 मंथ मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं अपनी। मैंने कोकम्बर को पील कर लिया। अब इसको कोकम्बर की मैं स्लाइस करके ब्लेंडर में डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कोरिएंडर। सारा कोरिएंडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी मिंट लीफ। ये मिंट लीफ मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी रोज वाटर, अर्के गुलाब। मैंने 4 से 5 टीस्पून अर्के गुलाब लिया, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सही, अब मैं इसको करूँगी ब्लेंडर। ये मैंने कर लिया, इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। देखें कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है, जैसे हमारी लाइक ग्रीन चटनी। अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लिया मैंने। प्लीज़ सॉरी टू मैसी सा हो गया जगह, तो उससे इग्नोर कीजिएगा। ये देखें इसका टेक्सचर। अब मैं इसको स्टैंड करती हूँ। ये देखें, ये स्टैंड कर लिया मैंने, इस तरह से स्टैंड हो गया। और ये है हमारा वेस्टेज, पर हम मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, इसको भी रीयूज़ करेंगे। चलिए आए, पहले हम अपना मास्क रिफ्रेश मास्क रेडी करते हैं। मास्क बनाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो बकेला फिर आपके पास बच जाएगा, इसको स्टोर कर लें आइस क्यूब्स के अंदर। और जब भी आपको मास्क बनाना हो तो 1 क्यूब्स लेकर आप अपना मास्क बना सकते हैं। ये मैंने 2 टीस्पून लिक्विड लिया है। इसके बाद मैं डालूँगी फ्रेंच किले। ये चिकन पेय वालों की आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ईजीली ले सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत प्रोडक्ट को लाइक करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं अपने इसमें अक्सर रेमेडीज़ में इनके प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। ये मैंने 2 टीस्पून मैंने फ्रेंच करे लिया। आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन का भी वही रिज़ल्ट आएगा जो इसका रिज़ल्ट आएगा। और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून लिया है हनी। ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जितना अच्छा मिक्स होगा इतना अच्छा ही आप ये मास्क बहुत अच्छा रेडी होगा। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखें कलर भी कितना अच्छा है। इसको आप 1 मंथ यूज़ करें मेरे बताए हुए तरीके से, वो मैं आपको भी बताती हूँ तरीका। अब मैं यूज़ करूँगी इस पर बेसन। पहले मैंने फ्रेंच के लिए यूज़ किया था, 2 टीस्पून मैंने वही लिक्विड लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है बेसन। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1.5 टीस्पून मैं लूँगी हनी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके, देखिए फ्रेंच किले वाला मैंने अभी तक अपने हाथ पे लगाया हुआ है। अब मैं आपको बेसन वाला यूज़ करके दिखाऊंगी, लगा के दिखाऊंगी, दोनों का सेम रिज़ल्ट आएगा। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंच किले वाला मैंने अप्लाई किया हुआ है, अब मैं ये बेसन वाला अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। दोनों के सेम रिज़ल्ट हैं। आप फ्रेंच किले वाला भी यूज़ कर सकते हैं और बेसन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही आपको वही रिज़ल्ट देंगे। ये फ्रेंच किले और ये बेसन दोनों ही बेस्ट मार्क्स हैं। बारी आती है इस वेस्टेज की, जो हम हमारे पास रह गया था। अब मैं बताती हूँ कि इसको हम रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मैं बताती हूँ इसका करना क्या। इसके अंदर आपने डालना है 2 टीस्पून शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये आपका बेहतरीन स्क्रब तैयार हो चुका है। आपको मास्क लगाने से पहले स्क्रब करें या बाथ लेने से स्क्रब करें, बहुत रिफ्रेशिंग रहेगा। इस मास्क को आपको पूरे 1 मंथ यूज़ करना है। स्टार्टिंग वीक में आपको पूरे 7 दिन यूज़ करना है। उसके बाद के वीक में आपको 3 दिन, फिर आपको हफ्ते में 2 दिन, फिर आपको हफ्ते में 1 दिन यूज़ करना है। 1 मंथ यूज़ करें, आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी स्किन बहुत बहुत अच्छी हो चुकी है। मेरी रेमेडी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।